हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो भाई साहब, ये जो पुलिस वाले जो केस आ रहे हैं ना, फर्जी पुलिस वाले बहुत आ रहे हैं आजकल। फिर दोबारा से एक और फर्जी पुलिस आए हैं हमारे सामने, और अब तो ग्राहक है ना जागरूक हो गया, वो पकड़ लेता है जी फर्जी पुलिस से। तो इन भाई साहब ने पकड़ लिया था कि फर्जी पुलिस हो, तो बेचारे को बुरा लग गया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं इन फर्जी पुलिस वाले भाई साहब से। हेलो। हाँ हाँ, मेरी बात हो रही है? इस समय मैंने फोन किया है, इस समय रीवा मध्य प्रदेश फोन लगाया मैंने। हाँ हाँ, पवन शर्मा बात कर रहे हैं? हाँ पवन शर्मा जी नमस्कार, राजवीर सिंह राठौर बात कर रहा हूँ इस समय। कहाँ से जी? मैं इस समय बात कर रहा हूँ भोपाल एसपी सिटी से बात कर रहा हूँ, मुख्यालय से। ये गन फट गया। दोस्तों, ये है ना, पापा का नाम बता रहे हैं और वार्ड बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास पूरा एड्रेस नहीं है, मकान नंबर, गली नंबर, ब्लॉक सब कुछ होता है, लेकिन ये वार्ड नंबर इसलिए बताते हैं कि हम लोग है ना, मतलब ग्राहक थोड़ा दहशत में आ जाए। वार्ड से बात कर रहा है, इसका मतलब पुलिस ऑफिसर ही है ये, इसलिए ये वार्ड बताते हैं। दोस्तों, आपको इनके ये झलावे में नहीं है ना, वार्ड से वार्ड नंबर ये है, जैसे कि ये तुम्हारा इलेक्शन ऑफिसर ही हो। हाँ जी, वार्ड नंबर है। हाँ, तो क्या काम करते हैं श्रीमान जी आप? किस कॉल, किस लिए लगाया गया है कॉल? क्या बोल रहे? कॉल किस लिए लगाया गया है? ये आपके नाम पर ईसीएस चेक बाउंसिंग के दायरे में मामला रजिस्टर्ड होने आया आज की तारीख। अच्छा, मैं जानकारी है क्या इसके बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है तो नाम सीरियल में अपडेट हो रहा है आपका? हाँ हाँ, फाइल अभी आपकी रजिस्टर्ड हो रही है, ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, नाम ईसीएस बाउंसिंग के दायरे में मामला लगा है। अच्छा, कोई वकील है एस के शर्मा, उनने डाला है। अच्छा, अच्छा, अगर आपको जानकारी नहीं है केस के बारे में पवन शर्मा, हाँ, तो हाँ, फाइल के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, वकील का नोट डाउन करना है, बातचीत करनी, नंबर लिख लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ नोट कर लीजिए। तो ये चेक बाउंसिंग केस किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? कहाँ पे जहाँ भी किया जा रहा हो, मैं नंबर बोल रहा हूँ, वकील का नोट कर लीजिए, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। अच्छा रुकी, मेरे एक फ्रेंड है भैया, वहाँ पुलिस में ही है भोपाल में, उनसे बात कर लूँ एक बार। अरे बात कर लो आप किसी से, उससे क्या दिक्कत है? कंप्लेन आया, वो तो आपको जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना। कंप्लेन आया भैया, ठीक है, मान रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता तो है। चेक बाउंसिंग का केस भैया कोर्ट में होता है, पुलिस में नहीं होता है। ठीक है, वहाँ से भैया वेरिफिकेशन से बात कर रहा हूँ ना, क्या सुनाई नहीं दे रहा आपका? कहाँ से वेरिफिकेशन से? हाँ मुख्यालय से बात कर रहा हूँ भोपाल के। कौन से मुख्यालय? जानकारी है हाँ, कहाँ पर होता है कोर्ट, कहाँ पर बना है भोपाल का कोर्ट, देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। हाँ नहीं देखा है तो वेरिफिकेशन के लिए फाइल आया, नंबर बोल रहा हूँ, नोट कीजिए ना। आपका कोई भी दोस्त पुलिस में क्या हो, डीजीपी हो, वो भी बात कर ले, मैं आपसे कोई गलत बात तो कर नहीं रहा हूँ। अच्छा। नहीं नहीं, तो आप जो बोल रहे हो, मैं पुलिस में हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ पुलिस मुख्यालय से बात कर रहा हूँ। अरे तो आप पुलिस में हो ना, बोल तो रहे हो ना। हाँ हाँ तो हाँ ठीक है, लाइन पे ले लो, क्या दिक्कत है, लाइन नहीं, पे ले आप लीजिए। पुलिस में हो ना? अरे लाइन पे ले लो आप, लाइन पे ले लो आप, जाने वाले लाइन पे ले लो। आप बता दो मुझे, आप पुलिस अरे में हो? हाँ मैं लाइन पे ले लो, मैं हाँ पुलिस में हूँ, आप लाइन पे ले लो। अच्छा, ले लो लाइन पे। कौन सी पोस्ट में हो भैया आप? अरे आप लाइन पे लीजिए ना, भैया आप कौन सी पोस्ट में हो? आप अपना काम कीजिए ना, लाइन पे लीजिए, बात कर रहा हूँ ना। भैया देखो, आप झूठी पुलिस बन के बात कर रहे हो, सब कुछ मेरा रियल सामने आ जाएगा। भैया आप ले लीजिए ना, भैया आप झूठी पुलिस बात कर बन के बात कर रहे हो, आपके ऊपर सीधे भैया 420 का केस हो सकता है, ठीक है ना? किसके ऊपर? मेरे ऊपर, आपके ऊपर? हाँ आपके ऊपर। चलो मेरे ऊपर कितनी देर में 420 का केस आप कर देंगे? भैया मैं तो अभी यहाँ बाहर हूँ, है ना, रीवा पे हूँ ही नहीं। हाँ नहीं तो मैं कर देता। रीवा में नहीं, आप कितनी देर में मेरे ऊपर 420 का केस कर देंगे? मैं ये मैं रीवा जाऊंगा भैया, मतलब जनवरी में जाऊंगा, तो फिर कर दूंगा, क्योंकि मेरी ये पूरी आपकी पूरी बात रिकॉर्ड हो गई मेरे पास, है ना? अब तो रिकॉर्ड कर लिया तो सुन रहे तेरे क्या, तेरे बाप की भी औकात नहीं है तू केस करने की। अच्छा, तुझे ना, तुझे तेरे बाप की भी औकात नहीं है केस करने की। अच्छा, तू तो अभी बहुत छोटा है मेरे। अच्छा, सामने। अच्छा हाँ, तेरे बाप की भी औकात नहीं है केस करने की, तुझे अभी ये बोल दिया। अच्छा, अब इतनी बात बोली तो तेरे बहुत खून में गर्मी बड़ी होगी। हाँ, तो उससे बोल रहा हूँ तेरे बाप की भी औकात नहीं है। अच्छा, तो एक महीने जनवरी फरवरी जब जा तब फोन कर लेना, मैं मिलूंगा तुझे। क्या मिलना है भोपाल में तुझे, तेरा जानने वाला हो आ जाना, ठीक है? अच्छा भैया सुनिए तो, ठीक है, आप पुलिस में हो ना? अरे भैया मैं बोल तो रहा हूँ, आप मेरी गर्मी निकाल रहे हैं, बोल रहे मैं कर दूंगा, तो मैं बोल रहा हूँ आपकी क्या, आपके बाप की औकात नहीं है भैया। तेरे बाप की औकात है, तू कर दे तुझे जो करना है। मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे जो बाप की औकात है तू कर दे तुझे जो करना है। आपकी जो औकात है
तेरी जो औकात है तू वो कर लेना, आपकी औकात नहीं है साले। तू झूठा फर्जी पुलिस वाला बनके, तू झूठा पुलिस वाला फर्जी वाला बनके तू मुझे ज्ञान बता रहा है। छोड़ो जाके यार, अच्छे हो अभी मेरे सामने आप। अब तू मेरे सामने बच्चा है साले, जवाब देना। ये मत दिखा मुझे, कानून मत पढ़ाओ भैया। मेरा ये है वो है, जो भी है लाइन पे ले लो। मैं लाइन पे भैया लूंगा ना, तेरी फटके चार हो जाएगी। तू तेरी तेरी औकात नहीं उनसे बात करने की, ठीक है? मेरी बोल तो नाम बता दूं मैं अभी। बाप की औकात नहीं है साले। अरे बोल तो नाम बता दूं मैं अभी, बोल तो नाम बता दूं अभी। चार करने की बोल तो ना, क्या बाप की औकात नहीं है? तेरे बाप की औकात है, छोटी चीज है। तू बहुत छोटा बच्चा है साले, समझा भाई? मेरे बारे में जाकर पता कर लेना तू। हाँ क्या? मेरे बारे में जाकर तू पता कर लेना तू, समझा? अरे तेरे बारे में बहुत पता कर लिया ना तू, पता कर। साले बजाज के दल्ले, बोलना फटके चार हो जाएगी। साले बजाज के दल्ले, रिकवरी एजेंट वाले, फर्जी पुलिस वाला बनके जो बात करता है। रहता है रीवा में, क्या यहाँ पैदा नहीं हो कोई भोपाल में? अरे तेरे भोपाल में आके मैं तेरी खड़े खड़े ले लूंगा, समझा ना? सिल भी नहीं पाएगा, मेरी फटके चार होगी, तेरा बार तेरा सिल भी नहीं पाएगा। अरे चल बे, हवा आने दे। तुझसे बोल रहा हूँ, तेरी अगर सुन बे, तेरी अगर हिम्मत हो, मिलेगा भी नहीं। सुन बे, तेरी अगर हिम्मत हो, आना पड़ेगा जोड़ने के लिए। कहाँ पे समझ रहे ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं वहाँ पे तेरी फटके जिससे भी जाए। अरे चल बे, सुन मेरी बात, अगर तेरा इतना हो दोबारा फोन ना लगाना। मादर चोद में बात कर, तू अकाल में बात कर रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, तू फटके बचार हो जाएगी, तेरे बाप की औकात नहीं है। रंडी के बीच, रंडी के बीच अपनी माँ से पूछ, तेरा बाप कौन है? अपनी माँ से पूछ, तेरा बाप कौन है? मादर चोद नहीं तो, अरे मादर चोद के बच्चे तेरी मम्मी का फ्रेंड, तेरी माँ की चोद, मादर चोद, मादर चोद, मादर चोद, दाई चोद, मादर चोद, बेटी चोद, रंडी के बीच पुलिस वाला है ये ना? तू पुलिस वाला है मादर चोद? तुझे बताऊंगा बेटा, तेरा नंबर मेरे पास ही रहेगा। अरे रुक, तेरा नंबर मैं अभी ये वायरल कर रहा हूँ साले। मेरे रेस्टोरेंट तेरा मैं बता दूंगा। क्या साले झोपड़पट्टी, मुझे औकात बता रहे अपनी है। क्या बोला रेस्टोरेंट? अभी मैं बताता हूँ, रुक जा तू, टेंशन मत ले। रेस्टोरेंट भेजेगा कर अपना, रेस्टोरेंट भेजेगा तू तो जनवरी में पहुंचेगा, उससे पहले मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा। सुन तो रेस्टोरेंट भेजेगा ना, भेज दिया हूँ रेस्टोरेंट भी। भिखारी की औलाद तू, भिखारी अपने बाप से पूछना जिसने तुझे जमीन पे छोड़ा है। तू अपनी माँ से पूछ, तेरा बाप कौन है? पवन शर्मा नाम बताएगी, समझा? अपनी माँ से पूछ, तेरा बाप कौन है? पवन शर्मा नाम बताएगी। मेरी माँ को तो पता है, तुझे पता है तेरे बाप का? हाँ मुझे पता है मेरा बाप, समझा ना? समझा मादर चोद, तू सिलवा भी नहीं पाएगा। रुक रुक रुक, तू भोपाल का ना, अभी लाइन में जा रहा हूँ। रुक तू, अब रुक 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 मादर, अरे रुका हूँ बता, तू मादर चोद अभी रुका हूँ बता, किसको फोन करवा रहा है? रुका हूँ बता, रुका हूँ, जो तू फोन करा। हेलो, करा फोन। हाँ जी, हाँ भैया ले रहा हूँ लाइन पे। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। हेलो, अरे सर जी कैसे गरम हो रहे हो, कैसे गरम हो रहे हो? अरे गरम हो रहा है तो फोन करना, बात करना, बोल क्यों नहीं रहा है? बोल तो रहा है, बोल तो रहा है। तू गया था, तू बोल रहा है ना कि तेरे फाड़ दूंगा सिल नहीं, तो मेरी फट गई ना अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है ना तुझसे। अच्छा, मैं ऐसी करूंगा तुझे पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा। कैसे कर दो? तूने बोला जनवरी बहुत दूर है, दिसंबर में ना ना, कैसे कर दोगे? कॉल बम लगा दोगे? कैसे कर दो, कॉल बम लगा दोगे? अरे तो तू कैसे करेगा, वैसे मैं करूंगा ना, तू ही बोल रहा था ना। एक चीज बताओ, मुझे लग रहा है टीएल ने डंडा कर रखा है गांड में तुम्हारी, टीएल ने डंडा कर रखा है गांड में तुम्हारी, लग रहा है बिल बिल आ रहे हो इसीलिए। हाँ टीएल ने, टीएल टीएल कौन? टीएल तुम्हारा जो सीनियर है। अच्छा, मेरे पर डंडा कर रखा है? हाँ तभी बिल बिल आ रहे हो तुम। हाँ मेरे में जो कर रखा है, मेरा सीनियर कौन है वो आपको पता चल जाएगा ना। आप अच्छा, के लिए बड़बड़ा रहे हैं? अरे हम क्यों बड़बड़ा, अरे फर्जी फर्जी सिम इस्तेमाल करते, 10-15 दिन में बता दूंगा, जनवरी बहुत दूर है। अरे यार एक काम करो, सुनो, ये फर्जी नंबर से तो तुम कॉल कर रहे हो, अपना आधार कार्ड भेज दो एक बार। अरे सर काय का फर्जी नंबर, नंबर फर्जी, आप एक नंबर लेके बता दो फर्जी। क्या बात कर रहे हो, आपको एक फर्जी नंबर मिल जाएगा, बता रहे हैं फर्जी नंबर निकला ये। अरे आधार कार्ड पे तो तुम्हारा तो नहीं है, तभी तो तुम उछल रहे हो, तुम्हारे आधार पे तो नहीं है ना? क्यों, क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गए सर जी? अरे सर जी कहाँ गए, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अरे कहीं गनवन तो लोड नहीं करने लग गए पिस्टल वगैरह?
इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए? काट दिया, दिया। देता हूँ। फोन नहीं उठा रहा, फोन काट रहा है। रुको मैं लेता हूँ लाइन में। जब इनसे धक्की बात करने लगो ना, इन लोगों की गांड फट जाती है। यही नंबर है ना? 8 4 7 6 7 लास्ट।